ओके नेक्स्ट जो देखो इसमें टॉपिक अभी हम लोगों ने करना है, कल मैंने आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, तो वो आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज कुछ और क्वेश्चंस भेजूंगी बेटा, तो वो भी कंप्लीट कर लेना, फिर इनके इकट्ठे डाउट्स मैं कल लूंगी आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि कल मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे वो कुछ ज्यादा नहीं थे, सात या आठ ही क्वेश्चंस थे आपके, और वो भी सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस थे। आज कुछ और क्वेश्चन आपको सेंड करूंगी, वो भी आप लोग कंप्लीट कर लेना, तो कल कलेक्टिव सारे क्वेश्चंस के आपके डाउट्स भी ले लूंगी और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दूंगी। पॉइंट इज क्लियर। तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जरा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास है, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोनों के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस इसमें हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। क्लियर। तो सबसे पहले सब बच्चे आ जाएंगे जरा इस प्रोसेस में, गैमेटोजेनेसिस में। गैमेटोजेनेसिस में बेटा एक तो सबसे पहला जो देखो नाम है प्रोसेस में, गैमेटो, गैमेटो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द गैमेट्स, एंड जेनेसिस का मतलब आपके पास हो गया फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बेसिकली किसका फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों के पास ओवा बनता है फीमेल के केस में और स्पर्म बनता है मेल के केस में, तो ओवम और स्पर्म के फॉर्मेशन को नाम दिया जाता है गैमेटोजेनेसिस, जो रिस्पेक्टिवली बनते हैं फीमेल एंड मेल के केस में। पॉइंट इज क्लियर। तो सबसे पहले अगर देखो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की बात करें, तो फर्स्ट जो बेटा प्रोसेस इसमें आप लोगों के पास आएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म फॉर्मेशन, बिकॉज देयर इज अ वर्ड स्पर्मेटो व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द स्पर्म, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, तो प्रोसेस को बोला जाता है यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन। तो या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मोटाइल मेल गैमेट। क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड मोटाइल मेल गैमेट। तो हैप्लॉइड मोटाइल मेल गैमेट यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन को, प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। पॉइंट इज क्लियर बेटा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा कहाँ पर, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, जिसको नाम दिया जाता है टेस्टिस मेल के केस में, ठीक है। तीसरी बात बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कब होता है, तो बेसिकली जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा वो मेल के केस में स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। सो व्हेन द मेल एंटर्स इनटू द प्यूबर्टी एज, मतलब जब उनके सेक्स ऑर्गन फुली मैच्योर हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गैमेट। तो प्यूबर्टी एज जो अप्रोक्सीमेटली फॉल करती है 12 से 14 साल में, तो उस टाइम पे मेल बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गैमेट, दैट इज कॉल्ड द स्पर्म। पॉइंट इज क्लियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों के पास आता है फीमेल के केस में। तो बेटा जो प्रोसेस देखो फीमेल के केस में होगा, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस में हम क्या बोलते हैं, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड नॉन मोटाइल, क्या बोलेंगे इसको, नॉन मोटाइल ओवम और एग। किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम या एग का, कैसा होगा, हैप्लॉइड एंड नॉन मोटाइल। क्लियर। सेकंड पॉइंट बेटा, प्रोसेस होगा कहाँ पर, डेफिनेटली प्रोसेस होगा फीमेल की ओवरीज में, जो कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो प्रोसेस है बेटा वो स्टार्ट कब होता है, तो प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। द प्रोसेस स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इवन आप बोल सकते हो बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल फीटस, बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल फीटस, यानी कि फीमेल के बर्थ से पहले ही उसकी ओवरी के अंदर ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है बेटा वो स्टार्ट हो जाता है। तो पॉइंट समझ रहे हो आप, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन होगा। स्पर्म कैसे होते हैं, हैप्लॉइड है, मोटाइल है,
उनको नाम दिया जाता है मेल गैमेट का, ठीक है। कैसे है? हैप्लॉयड है, मोटाइल है। फीमेल के केस में एग कैसा होता है? हैप्लॉयड है लेकिन नॉन मोटाइल है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहाँ होगा? टेस्टिस में। ओजेनेसिस का प्रोसेस कहाँ होगा? ओवरी में। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में, जब मेल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। और ओजेनेसिस हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल फीटस। नाउ दैट इज द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस व्हेन यू कंपेयर द स्पर्मेटोजेनेसिस विद द ओजेनेसिस। पॉइंट इज क्लियर बेटा? दोनों प्रोसेस को मिला के क्या नाम दिया जाता है? गैमेटोजेनेसिस। एंड व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बेटा एक और चीज का ध्यान यहाँ पर आप लोगों ने रखना है कि गैमेटोजेनेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, मतलब किन किन चीजों का होना जरूरी है ताकि गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता रहे। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए प्रॉपर अमाउंट में GnRH, विच इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हमें चाहिए LH, हमें चाहिए FSH। एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की, जिसमें आता है विटामिन ए एंड विटामिन ई। Now these are the five important things which must be present in a proper amount in case of male or female so that beta gametogenesis jo hai wo smoothly chalta rahe. Point samajh mein aa gaya? To ye hum logo ke paas hai aaj ki first slide jisme introduction hai gametogenesis process ka. To ab hum kya karenge? One by one gametogenesis start karenge. First part hai spermatogenesis jo ki male mein hoga. सेकेंड पार्ट है ओजेनेसिस जो कि फीमेल में होगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रोसेस विच इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो चलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आ जाओ जरा स्पर्मेटोजेनेसिस पे। सबसे पहले बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस है तो आपको पता है प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का। कहां पर होगा? टेस्टिस में। और टेस्टिस के भी अंदर पूछा जाएगा तो पार्ट याद रखो कौन सा था? आपके सेमिनिफेरस टिब्यू, ठीक है। अब ये जो पूरा बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस को हम डिवाइड कर देते हैं तीन फेजेस में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, द होल प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस। तीन स्टेजेस में पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है यहाँ पर? डिवाइडेड है, ठीक है। पहली स्टेज को नाम दिया जाता है मल्टीप्लीकेशन फेस। सबसे पहला फेस कौन सा आएगा? मल्टीप्लीकेशन फेस, क्लियर। सेकेंड आता है यहाँ पर ग्रोथ फेस, तो सेकंड हमने लिख दिया यहाँ पर ग्रोथ फेस। देन थर्ड आता है बेटा लास्ट फेस विच इज नोन एज द मैच्यूरेशन फेस। तो पूरा का पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो यहाँ पर टोटल तीन फेजेस में डिवाइड है। कौन कौन से फेज है हम लोगों के पास? मल्टीप्लीकेशन फेस, ग्रोथ फेस एंड मैच्यूरेशन फेस। पॉइंट इज क्लियर? अब इन्हीं फेजेस को बेटा डिटेल में डील करना है तो पूरा प्रोसेस आप समझने की कोशिश करो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में होगा क्या। सबसे पहला फेज उठा लेते हैं, कौन सा फेज है हमारे पास? मल्टीप्लीकेशन फेज। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाते भी जाती हूँ साथ साथ में। सबसे पहले बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर वी हैव द मेल जर्म सेल। याद है आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल में मेल जर्म सेल होते हैं। क्या बोला जाता है इन मेल जर्म सेल को? These male germ cells are known as the spermatogonia. क्या बोला जाता है इन cells को? Spermatogonia. यही बोलते हैं ना, spermatogonia, male germ cell. बिल्कुल सही, clear. तो बेटा इनका पोलाइडी लेवल कैसा होता है? How many set of the chromosomes are there? दो set हैं, तो diploid condition है, तो मतलब आप लिखोगे 2n, ठीक है। अब ये रहा suppose हमारे पास spermatogonia which is having 2N condition. Now this spermatogonia undergo the multiplication phase. तो multiplication का मतलब क्या हुआ कि spermatogonia divide करेगा? Very simple, ठीक है। तो spermatogonia undergo repeated mitotic division. तो जब spermatogonia लगातार बेटा यहाँ पर mitosis division करेगा
तो वो और नए स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा. सो देर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पर्मेटोगोनिया और यू कैन से द मोर स्पर्मेटोगोनिया. तो ये बन गए हमारे पास यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया विच आर डिप्लॉयड. पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन फेज. तो मल्टीप्लीकेशन फेज के केस में स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिवाइड करेंगे एंड इंक्रीज इन नंबर. डिवाइड करके अपना नंबर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. तो इस स्टेप को हमने बोल दिया मल्टीप्लीकेशन फेज. इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन के बाद बेटा नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट आता है ग्रोथ फेज. कौन सा फेज आता है नेक्स्ट हमारे पास? ग्रोथ फेज. अब ग्रोथ का मतलब होता है ग्रो करना. ग्रो का मतलब है साइज का बढ़ना. अब यहाँ पर देखो नंबर नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर बेटा साइज बढ़ेगा. ध्यान से देख लो, ग्रोथ में आप सिर्फ ग्रो करवाओगे, साइज बढ़ाओगे. तो बेसिकली बेटा व्हाट हैपन इन द ग्रोथ फेज? ग्रोथ फेज में क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में साइज जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. इनका जो साइटोप्लाज्म है इट बिकम मोर डेंस. कैसा हो जाएगा इनका साइटोप्लाज्म? मोर डेंस. क्यों? क्योंकि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल. किसका फॉर्मेशन होगा? बायोमोलिक्यूल्स का, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एटीपी, ये सब चीजें बनेंगी. तो साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा. डेंस होगा तो ओवरऑल सेल का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो अब हम बोलेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया नाउ कन्वर्ट इनटू अ सेल. नाउ दैट सेल विच इज बिट लार्जर इन साइज, इसको यहाँ पर नाम दिया जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्या बोला जाता है इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. बन गया बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब आपने कोई डिवीजन नहीं करा, सिर्फ आपने ग्रोथ फेस किया, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट, दैट इज 2n. ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया में साइटोप्लाज्म का बढ़ना और उसका बनना, दैट इज कॉल्ड साइटोजेनेसिस, जिसकी वजह से इट कन्वर्ट इनटू अ लार्जर सेल एंड दैट लार्जर सेल इज नोन एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके पास. ठीक है, अब जब बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया तो उसके बाद जो देखो नेक्स्ट फेज हम लोगों के पास आएगा, दैट इज कॉल्ड द मैच्यूरेशन फेज. लास्ट फेज कौन सा आएगा? मैच्यूरेशन फेज. अब ये फेज थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि बेटा इसमें मियोसिस डिवीजन होता है. क्या होता है? मियोसिस. तो याद कर लो, एम फॉर मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन का मतलब मियोसिस डिवीजन. क्लियर? तो मैच्यूरेशन फेज में क्या क्या होगा? मैच्यूरेशन फेज में एक होगा मियोसिस वन और एक होगा मियोसिस टू. दोनों तरह की डिविजन्स होंगी बेटा. ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द मियोसिस टू, सॉरी मियोसिस वन डिविजन. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस वन डिविजन. अब आपको पता है ना कि मियोसिस वन जो होती है वो रिडक्शनल होती है, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके टूटा दो डॉटर सेल में और इन दोनों डॉटर सेल को यहाँ पर नाम दिया गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. क्या बोला जाता है इनको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, अब आपने बेटा मियोसिस वन करा. वन आपको पता है रिडक्शनल डिविजन है, तो अगर वन रिडक्शनल है तो दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हैप्लॉइड कंडीशन होगी, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. पॉइंट समझ में आ गया? अब जो ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, दे विल अंडरगो द मियोसिस टू डिवीजन. अब ये कौन सा डिवीजन करेंगे? मियोसिस टू डिवीजन करेंगे. तो मियोसिस टू कैसा होता है बेटा? मियोसिस टू होता है इक्वेशनल. इक्वेशनल का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे. तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टूट गया दो सेल में,
ये वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी टूट गया दो सेल में, तो बेटा टोटल कितने सेल बन गए? चार सेल बन गए। अब इन चारों सेल को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। क्या बोला जाता है इनको? स्पर्मेटिड्स। अभी स्पर्म नहीं बने हैं, क्या बने हैं? स्पर्मेटिड। और ये सारे के सारे स्पर्मेटिड कैसे हैं? हैप्लॉइड। क्योंकि आपने मियोसिस टू किया ना, तो मियोसिस टू में तो क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा, तो जितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में था उतना स्पर्मेटिड में रहेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बेटा मैच्यूरेशन फेस में पहला पॉइंट क्या था? मैच्यूरेशन फेस में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, किसकी बात कर रही हूं मैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इट विल अंडरगो मियोसिस वन। कौन सा डिवीजन करेगा? मियोसिस वन। और क्या बनाएगा? एंड इट विल फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हो गया पहला पॉइंट खत्म, ठीक है? दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? डिवाइड करेगा। विच डिवीजन? मियोसिस टू डिवीजन। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस टू डिवीजन। तो जब ये मियोसिस टू डिवीजन करेगा तो क्या बनाएगा हमारे पास? इट विल फॉर्म स्पर्मेटिड। किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पर्मेटिड्स का। बन गए आप लोगों के पास स्पर्मेटिड्स, ठीक है? अब ये जो बेटा स्पर्मेटिड हम लोगों के पास बने हैं, ये स्पर्मेटिड कैसे हैं? स्पर्मेटिड एक्चुअली हैं हैप्लॉइड, क्योंकि इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बट दे आर नॉन मोटाइल। कैसे हैं हमारे पास ये? नॉन मोटाइल है, तो हैप्लॉइड लेकिन नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब कि इनमें मोटिलिटी तो है ही नहीं, ये मूव नहीं कर सकते। और हमने इनको किसमें कन्वर्ट करना है? स्पर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्पर्म कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो जितने भी आप लोगों के पास ये स्पर्मेटिड बने, ये स्पर्मेटिड आगे जाके फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? All the spermatid will be convert into the motile structure, and these motile structures are known as the spermatozoa. या इनको क्या बोला जाता है? Sperms, which are haploid. Point समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो spermatozoa और sperm बन के हो गए हैं ready. तो जिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होंगे, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्पर्मेटिलियोसिस। क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को? स्पर्मेटिलियोसिस। या फिर दूसरा नाम क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। It is the process by which the spermatid will be convert into the motile sperm. Point clear हो गया? समझ में आ गया? तो finally जो हमारे spermatid थे वो किसमें convert हो गए? Spermatid converts into the sperms. Clear? Spermatid no, non-motile थे, sperm कैसे थे? Motile थे. Process को क्या बोला जाता है? Spermatiliosis और spermiogenesis. तो यहां पर बेटा मैच्यूरेशन फेस हो गया खत्म, और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी हो गया फिनिश। अब मैं वापस रिपीट कर रही हूं, सब बच्चे एक बार फिर से देखेंगे, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी बिल्कुल भी। स्पर्मेटोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? और पूरे प्रोसेस में कितनी स्टेजेस आती है? टोटल तीन। पहली स्टेज का नाम क्या है? मल्टीप्लीकेशन फेज। दूसरा कौन सा है? ग्रोथ फेज। तीसरा कौन सा है? मैच्यूरेशन फेस, ठीक है? तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? मेल जर्म सेल, विच आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कौन सा डिवीजन करेंगे? माइटोसिस डिवीजन। तो क्या बनाएंगे? नए स्पर्मेटोगोनिया। ये है हमारा पहला फेज। कौन सा फेज है? फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज को हम यहाँ पर नाम देते हैं, दिस इज द फर्स्ट फेज, which is known as what? Multiplication phase. क्या बोला जाता है इसको यहाँ पर? Multiplication phase, जिसमें सिर्फ क्या होगा? Division, multiplication. Clear? अब उसके बाद spermatogonia आगे जाके किसमें convert हो जाएंगे? Primary spermatocyte में।
कौन से प्रोसेस के थ्रू होंगे? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम का जो बेटा साइज है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है तो ओवरऑल सेल का साइज बढ़ेगा। तो अब इस फेज को हम नाम देते हैं सेकेंड फेज। कौन सा फेज आ गया? ये वाला हमारा ग्रोथ फेज, क्योंकि सेल का साइज बढ़ता है। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखो एक है। नाउ वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस वन, और कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा? दो। ठीक है, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस टू, और कितने स्पर्मेटिड बनाएगा? दो। तो अल्टीमेटली कितने स्पर्मेटिड बन गए? चार। स्पर्मेटिड कैसे हैं? नॉन मोटाइल। They will be convert into the motile structure. What is the motile structure? That is a spermatozoa, or you can say the sperm. और बेटा जिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटेड स्पर्म में कन्वर्ट होंगे उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? स्पर्मेटिलियोसिस, या फिर उसको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। पॉइंट समझ में आया? तो यानी कि अगर हम चले यहां से, कहां से? From the primary spermatocyte up to the formation of sperm. तो ये हो गया बेटा third phase. What is the name of the third phase? That is the maturation phase. Clear हो गया? तो एक primary spermatocyte, one primary spermatocyte divide करके कितने secondary बनाता है? टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके डिवाइड करके कितने स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे? चार हैप्लोइड मोटाइल स्पर्म। कितने स्पर्म बन गए? फोर हैप्लोइड मोटाइल स्पर्म बन गए आपके पास, फोर मोटाइल हैप्लोइड स्पर्म। ठीक है, तो यहां पर बेटा प्रोसेस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस का खत्म। क्लियर, समझ में आ गया? हां जी, थम्स अप डाल दो बेटा स्क्रीन के ऊपर अगर ये प्रोसेस सब बच्चों को क्लियर हो चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन ग्रोथ फेज में ही आता है। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ फेस में होगा, लेकिन प्राइमरी से जब आप स्पर्म बनाओगे तो वो सारा मैच्यूरेशन फेस में आता है। क्लियर बेटा, हो गया? तो यहां पर हम लोगों के पास खत्म हो गया प्रोसेस विच इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोगों के पास है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। 400 स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना है, 400 स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड? बताओ जरा, 400 स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड? जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में डाल दो, मैं चेक कर लेती हूँ जल्दी फटाफट। टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आशुतोष, कोमल, केतन, मुस्कान, हर्ष, हीना, रोहित वत्स, अक्षय कुमार का आंसर भी आ चुका है, क्या बात है। हिमांशी, राहुल, ठीक है ठीक है। जशन का आंसर भी आ चुका है। खुशबू, ओ माई गॉड, 800, ए भगवान, इन्होंने तो सारी हदें ही तोड़ दी। मतलब इंदु का आंसर भी आ चुका है, अंजलि का आंसर भी आ चुका है, ठीक है ठीक है। मोनिका शर्मा, केशव करनाल, इनका आंसर भी आ चुका है, ठीक है। सपना का आंसर भी आ चुका है, ओके। चलो सॉल्व कर लेते हैं, देख लो फिर किसके आंसर ठीक है किसके गलत है। 400 स्पर्म का फॉर्मेशन करना है तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपको चाहिए? अभी देखो, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है? दो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो 400 स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए आपको कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? ऑब्वियसली डिवाइड कर दो,
तो 400 स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए हमें एग्जैक्टली 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक बेटा दो बना रहा है तो 200 कितने बना देंगे, 400 नहीं बनाएंगे, तो ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा, 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जिनका आंसर 200 है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन अगले पे आ जाओ जरा जल्दी से, सेम क्वेश्चन है हम लोगों के पास, 400 स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना है तो बताओ हाउ मैनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड। आ जाओ जरा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, स्टेटमेंट वही है, हाउ मैनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड। चलो अब बताओ आंसर क्या लिखोगे इसका। ओके, मैक्सिम बच्चों के आंसर आ गए हैं, मुस्कान, आरजू, राहुल, कोमलप्रीत, बबीता, प्रिंस, ठीक है। बाप रे, मोनिका शर्मा कौन है जो 800 आंसर दे रही है मुझे, है क्या हो गया भाई, 800 कहाँ से होंगे बताओ, हद करते हो तुम तो। हैं मनप्रीत 200 आंसर दे रहे हो बेटा, ध्यान से जरा, नेहा का आंसर आ चुका है, बबीता बोल रहे 400, अदिति सूद का आंसर आ चुका है, ओके फाइन। बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल रही हूँ, केतन का आंसर आ चुका है, शरणजीत, केशव करनाल, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर आपके, ज्योति का आंसर भी आ चुका है। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ उलझ रहे हो, यहाँ देखो जरा ध्यान से, 400 स्पर्म बनाने हैं, कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म्स बनाता है बताओ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म्स बनाता है, 4 स्पर्म्स बनाता है कि नहीं बनाता है, अल्टीमेटली 4 ही बनाएगा ना, तो 400 स्पर्म्स बनाने के लिए आपको कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, ऑब्वियसली आपको 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, एक 4 बना रहा है तो 100 इंटू 4 400 नहीं हो गया, तो निकल आया आपका आंसर, वी रिक्वायर्ड 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 100। अच्छा इधर आ जाओ जरा, एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी चेक करो, आपके पास 6000 स्पर्म प्रोड्यूस हुए, 6000 स्पर्म्स बने आफ्टर द स्पर्म फॉर्मेशन, हाउ मैनी स्पर्म्स आर वाई कैरिंग, बताओ जरा, 6000 स्पर्म बने हैं तो उनमें से कितने स्पर्म्स है बेटा जो वाई क्रोमोसोम कैरी करेंगे, मतलब वाई कंटेनिंग स्पर्म कितने बनेंगे बताओ। अब इसका आंसर मैं ऑलरेडी कल दे चुकी हूँ क्लास में, अगर आपको पता हो, बिल्कुल सही बिल्कुल, 30,000 किसने बोला है, 30,000 लिख दिया बताओ, 6,000 तो टोटल स्पर्म बन रहे हैं यहाँ पे। कल्पिता, केतन, नेहा, क्लियर क्लियर क्लियर, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, ये मैंने कल परसों आपको शायद क्वेश्चन बताया भी था अगर आपको याद हो, कि मेल चाहे जितने मर्जी स्पर्म का प्रोडक्शन करे, कितने भी स्पर्म बने, उसमें से हमेशा आधे एक्स कंटेनिंग होंगे और आधे हमेशा वाई कंटेनिंग होंगे, ये हमेशा याद रखो, क्योंकि बेटा मेल का जीनोटाइप कैसा होता है, एक्स वाई, तो 50% स्पर्म्स आर एक्स कंटेनिंग एंड 50% स्पर्म्स आर वाई कंटेनिंग, यानी कि 3000 स्पर्म्स होंगे जो कि वाई क्रोमोसोम वाले होंगे, क्लियर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही।